डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का पुतला, की जोरदार नारेबाजी। साक्षी के फुटपाथी दुकानदारों ने किया अपनी दुकानों को बचाने के लिए जिला प्रशासन का विरोध। जुस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम के दौरान हुए मीडिया से रूबरू, दी भावी योजनाओं की जानकारी। मणिपुर राज्य में महिला के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर में जिला कांग्रेस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर की अध्यक्षता में यह पुतला दहन कदमा गणेश पूजा मैदान गोल चक्कर में किया गया। इससे पूर्व इनके द्वारा एक विरोध मार्च भी निकाला गया, जहां तमाम कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि आज मणिपुर राज्य में लंबे समय से हिंसा चल रही है, आज तक केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है और आज उसी मणिपुर में महिला के साथ 20 सड़क में अत्याचार किया गया, लेकिन अब भी केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी है। इन्होंने कहा कि यह मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाता है और इसी चुप्पी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। तारीख को नग्न हमारी बहनों को घुमाया जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में, वहां हमारी आदिवासी बहन को 4 तारीख को नग्न घुमाया जाता है, लोगों के द्वारा उनका बलात्कार किया जाता है। और हद तो तब हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ने उनके शरीर को से खेलने का काम किया है, उनको छूने का काम किया है, उन्होंने देश को शर्मसार किया है। मैं अपनी राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, आप राष्ट्रपति महोदया होने के नाते आप उनसे पहले आप देश की एक महिला है और आप आदिवासी के बीच में पल बढ़ के उस समुदाय को जानती है, पहचानती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, चाहे तो आप हम आपके पैर पकड़ के भी निवेदन करता हूँ, आइए जलते हुए मणिपुर को बचाइए, क्योंकि ये भारत की सरकार अपने हाथ से अपने पीठ को थपथपाना चाहती है। जहाँ देश जल रहा है, जहाँ मणिपुर जल रही है, वहाँ हमारे बड़े साहब दुनिया में घूमकर अपने ही हाथ से अपने पीठ को थपथपा रहे हैं और देश की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को निवेदन करता हूं कि हम सभी को मिलकर इस मणिपुर की अव्यवस्था को रोकना होगा, इस चलते हुए मणिपुर को रोकना होगा। आइए हम मिलजुल कर अपनी राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करें कि राष्ट्रपति महोदया, आप आइए और हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ये मोदी सरकार, ये पैसों वालों की सरकार है। साक्षी में एक बार फिर फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन हुए आमने सामने, दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन एक बार फिर आमने सामने हैं, जहां साक्षी बाजार में फल मार्केट के समीप अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन TOP का है और उसे कब्जे में लेना है। कई बार फुटपाथी दुकानदारों को हटाने का नोटिस भेजा गया, मगर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। TOP की जमीन पर घेराबंदी करनी है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। उधर अस्थायी दुकानदारों का कहना है कि पिछले 70 सालों से उनके द्वारा यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाया जा रहा है। अक्षेश द्वारा उन्हें टोकन भी दिया गया है, बावजूद इसके कोई कमल नाम का व्यक्ति रात के अंधेरे में उक्त स्थल पर कब्जा कर ले, यह कहकर आ धमका कि JNSC द्वारा उसे उक्त जमीन अलॉट किया गया है।
इसलिए उसका कब्जा करने आए हैं। अस्थाई दुकानदारों ने बताया कि इसी का वे विरोध कर रहे हैं, जबकि टीओपी पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन टीओपी की है, टीओपी अपने कब्जे में ले रही है, यदि कोई दखल अंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला चाहे जो भी हो, फिलहाल एक बार फिर से जमशेदपुर में फुटपाती दुकान पर कब्जे को लेकर जिला पुलिस प्रशासन और फुटपाती दुकानदार आमने सामने हैं। यूपी का एरिया, यूपी के एरिया हम कैसे बाहर करेंगे, बाजाबस्ती करने प्रयास करें, हम लोग दिसंबर कार्रवाई करेंगे। हाँ लगाते हैं, हम लोग को अलाउड नहीं थी। अगर यहाँ फुटपाथ में जनसी हटा रही है तो यहाँ अलाउड कैसे होगी जगह, ठीक है। मेरा परदादा लगाया, मेरा दादा लगाया, मेरा बाप लगा, अब हम लोग लगा रहे हैं तो कमर हैदर और मुंडा खान मिल के लोग पैसा दौर पर हम लोग हटा रहा कर रहा। जब लीगल काम है, आपका अलॉट हुआ है, आप आके यहाँ दिन में काम करिए, हम लोग को पेपर दिखाइए, हम लोग हट जाएंगे, ठीक है। रात को कल पानी गिरते गया, इन लोग अपना गुंडागिरी दिखा रहा है, कमर खान कमर हैदर आपका मुन्ना खान, ये लोग जो है आके पूरा दिखा रहा हम लोग को गुंडागिरी की, यहाँ से हटो, यहाँ तुम जगह नहीं है, अलॉट हो गया। जब अलॉट आपका हो गया है आप दिन में काम करिए, हम लोग पेपर दिखा दिए, हम खुद हट जाएंगे। जुस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा ने गुरुवार को मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जुस्को के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए शहर की भौगोलिक व्यवस्था पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए ऋतुराज सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर शहर में सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी कमांड एरिया के अलावा बस्तियों एवं अन्य क्षेत्रों में भी सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। बिजली को लेकर सरकार से वार्ता चल रही है, जबकि पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए वर्तमान समय में पानी की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात काफ़ी कम होने के कारण डैम में जल स्तर काफ़ी कम है, अगर यही स्थिति रही तो लोगों को पानी बचत की ओर खुद को तैयार करना होगा। ऐसी विकट स्थिति आने पर पानी सप्लाई रोकने के लिए वे मजबूर होंगे। वहीं पिछले दिनों बेल्डी लेक में काफ़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि तालाब में मछलियां निकालने की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा तालाब में एक ऐसी मछली की प्रजाति है जो उनके द्वारा चारा नहीं डाला गया था, जिसके द्वारा हर 3 वर्ष में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, इसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अब जिसको तालाब से निकालने का कार्य करेगी, जिससे मछलियों की संख्या सीमित रह सके और उनकी मौत भी नहीं हो सके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा हमने प्लान किया है कि साल में हम एटलीस्ट 3 बार मीडिया से मिलेंगे, इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ से हम जान पाएंगे कि हमें और क्या शहर में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और हमसे हम क्या और ठीक से कर सकते हैं। तो उसके तहत ये साल का ये पहला था, दूसरा हम करीब नवंबर में प्लान करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने किया कि पिछले 5-6 महीनों में शहर में क्या क्या हुआ है और अगले 5-6 महीनों में हम क्या करना चाहते हैं, क्या सारे दिशाओं में, चाहे पानी का हो, बिजली का हो या फिर शहर का सौंदर्यीकरण हो, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। और उसके बाद मीडिया के हमारे दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे जिसका हमने जवाब दिया। सबसे ज़्यादा सवाल बिजली और पानी का था, सब पे सवाल थे, हेल्थ रिलेटेड डेंगू वगैरह पे भी सवाल थे। बिजली पानी तो सबसे अहम चीज़ है, पानी तो सबको की ज़रूरत है। देखिए, ये साल का वो सीज़न है जब डेंगू फैलने का डर रहता है, और मैं आपके ज़रिए सबसे ये कहना चाहूँगा कि हमें चौकन्ना रहना है। डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है और हमें इंश्योर करना है कि हम अपने घर में साफ़ पानी का जमाव ना होने दें, और अगर जमाव है भी कुछ किसी कारणवश तो उसे हर सप्ताह में एक दिन कम से कम बदलें। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि घर घर सर्च कर रहे हैं कहाँ डेंगू का लार्वा मिल रहा है या उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट किया कि पानी आज के दिन पे वेस्टर्न एरियाज में कई सारी बस्तियों का पानी का कनेक्शन देने का प्रोग्राम चालू हो चुका है, कनेक्शन फॉर्म्स बढ़ने चालू हो चुके हैं और जारी रहेंगे, और हम उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जैसे ऐसे फॉर्म भरते जाएंगे हम कनेक्शन देते जाएंगे। ईस्टर्न पार्ट में भी हमारा स्कीम तो वाटर का इम्प्रूवमेंट हो चुका है, उसके तहत हमें पानी देने का प्रक्रिया चालू है।
जहाँ तक कुछ इलाके हैं जहाँ बाबूडी एरियाज है और कुछ वहाँ पे जो बेड़ा बस्ती है उसका भी स्कीम अब हम चालू कर रहे हैं, काम चालू हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी आने में 1.5 से 2 साल करीब लगेगा क्योंकि वहाँ पे अलग से ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने की ज़रूरत है जिसको हम वहाँ पे बैठा रहे हैं, जिसके चलते लोन स्टार फिल्म के पहले प्रोडक्शन और चंदन रॉय सान्याल के निर्देशन की पहली फिल्म ने हाल ही में झारखंड राज्य में प्रदर्शित मनोरम फिल्म द प्लेबैक सिंगर के रूप में जमशेदपुर के मनमोहक मूड में अपनी रेखी पूरी की है। इस सिनेमाई और मधुर फिल्म ने अपनी पृष्ठभूमि के रूप में जमशेदपुर शहर के शाश्वत आकर्षण को सहजता से पकड़ने के लिए चुना है। प्लेबैक सिंगर चंदन रॉय सान्याल की अविश्वसनीय प्रतिभा को प्रदर्शित करता है जो आश्रम और कमीने में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रशंसित हैं क्योंकि वह मुख्य भूमिका निभाते हैं और निर्देशक की टोपी पहनते हैं। उनके साथ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली निधि सिंह जो परमानेंट रूममेट्स और अपहरण में अपने अविस्मरणीय किरदारों के लिए जानी जाती हैं स्क्रीन की शोभा बढ़ाती हैं और अपने अद्वितीय कौशल को सामने लाती हैं। वे एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलते हैं जो दिलों को लुभाने और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करती है। चंदन कहते हैं, मुझे जमशेदपुर के पुराने स्कूल का माहौल पसंद है और यह एक ऐसा शहर है जिसे अक्सर हिंदी फिल्मों में सिनेमाई रूप से चित्रित नहीं किया गया है। हमने 2 सप्ताह तक व्यापक रेकी की है और उन सभी स्थानों को लॉक कर दिया है जो हमारी मधुर कहानी में फिट बैठते हैं। सिटी में मैं पैदा हुआ तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि कोई बॉम्बे से टीम आके यहाँ शूट कर रहा है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में और बाकी लोगों को भी काम मिल गया, तो इससे अच्छा है, तो अच्छी बात है कि लोगों को काम मिल रहा है। सही चैनल में जाएंगे तो आप बढ़ेंगे, आप गलत जगह जाएंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपको पहले चुनना है कि सही इंसान कौन है, उसी के साथ आगे जाना है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शूटिंग शहर में होगी कि गांव एरिया में? नहीं, जमशेदपुर में सिटी में हो रही है ज़्यादा शूट, पूरी सिटी का ही लोकेशन है और लाइव लोकेशन सबसे ज़्यादा इस फिल्म में है, मतलब हम शॉप्स वॉप से सब ज्वेलरी शॉप दुकान कपड़े के दुकान में ऐसे बहुत लाइव लोकेशन बहुत शूट। हम जमशेदपुर में किस लिए आए वो अगर जानना है तो बिकॉज एक तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, मेरे काफ़ी क्लोज मित्र सब जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, तो जमशेदपुर की बचपन की स्टोरी, इवन तारकेश्वर यहाँ से है तो बचपन की स्टोरियाँ बहुत सारी सुनी हुई है। चंदन सर ने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है यहाँ पर, जब 5 साल पहले जब आए थे तब शहर देखा है तो शहर के बारे में काफ़ी जानकारी ली है, सो दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर। एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है हमें, रिबेट वगैरह गवर्नमेंट में रखे हुए हैं, सो वी आर होपिंग के वी विल गेट, बिकॉज वी आर डूइंग कम्प्लीटली 99% फिल्म का शूटिंग जो है हमारा यहाँ पे हो रहा है, सो हम होप कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम गवर्नमेंट से भी काफ़ी हेल्प मिले परमिशंस लोकेशंस उस हिसाब से। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कमारकुड़ा के वार्ड संख्या 19 में 15वें वित्त आयोग की निधि से कपाली नगर परिषद द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सविता महतो, चांडिल SDO रंजीत लोहरा, जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक सरायकेला के मनीष गुलाटी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और 3 नर्स सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। वहीं जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष गुलाटी ने कहा, आने वाले समय में यहां पॉलीक्लिनिक भी संचालित किया जाएगा जिसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे, साथ ही महिलाओं के लिए जो मासिक जांच होती है उसका भी प्रबंध यहां पर किया जाएगा और बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी यहाँ पर जल्द शुरू होने जा रही है। वहीं SDO रंजीत लोहार ने कहा, यह स्वास्थ्य केंद्र एक विकल्प के तौर पर है और पहले से ही ईचागढ़ विधायक के द्वारा एक एम्बुलेंस यहां दिया गया है जिसका सही मायने में अब उपयोग हो पाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कपाली नगर परिषद के सिटी मैनेजर रंजन पांडे, कपाली नगर परिषद के पूर्व मेयर शोभा रानी महतो, झामुमो नेता शेख फरीद, समाजसेवी ललित महतो, पूर्व वार्ड पार्षद हिमांशु शेखर समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। कपाली क्षेत्र में कमरगोड़ा में नॉन जो हेल्थ सेंटर यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और यहाँ 1 डॉक्टर और 3 नर्स दिन 8 बजे से लेके 4-5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और धीरे धीरे जैसा यहाँ पर छोटा मोटा जो भी केस वैसे आएंगे तो उसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा वैसे कुछ होगा तो उसको MGM के लिए भेजा जाएगा और उसी तरह जैसा रहेगा परिस्थिति उसका हम लोग और डॉक्टर और नर्स का भी डिमांड रखेंगे और इसमें अच्छा से अच्छा यहाँ पर चिकित्सा हो। हफ्ते में कितने दिन संचालित होगी? डेली है, रोज।
जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं अपनी वेतन संबंधित समस्याओं को लेकर गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएस जुझार माझी से मुलाकात कर जल्द से जल्द इस ओर पहल करने का आग्रह किया है। वर्तमान समय में खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल में 42 गृह रक्षा वाहिनी के महिला एवं पुरुष जवान तैनात हैं। अन्य अस्पतालों और संस्थानों में तैनात जवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा चुका है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में भी पूर्व में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनके वेतन का भुगतान किया जाता था और अब विभाग द्वारा 6 महीने से इनका वेतन रोक दिया जाना विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिवार पालना इनके लिए मुश्किल हो गया है। कई बार पत्राचार करने के बाद भी इनके वेतन संबंधी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। थक हार कर इन्होंने सिविल सर्जन से मुलाकात कर जल्द से जल्द वेतन भुगतान संबंधित समस्या में हस्तक्षेप कर हल निकालने की मांग की, जहां सिविल सर्जन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनकी वेतन संबंधित समस्याएं दूर की जाएंगी। उनका फरवरी माह से अभी तक का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण हम लोग आज सीएस साहब से मुलाकात किए। तो सीएस साहब जो आउटसोर्सिंग का पैसा आता था उससे हम लोग का वेतन होता था हर एक बार। अच्छा, इस बार उसमें वो चीज़ का प्रस्ताव नहीं रखा गया है कि होमगार्ड को वेतन दिया जाए, जिस कारण हम लोग का वेतन नहीं मिला। अच्छा, तो हमारे जो सीएस साहब हैं वो अपने से उच्च पदाधिकारी से आज बात किए और इस विषय में चर्चा किए, तो वहाँ से कुछ अभी प्लस पॉइंट मिला है कि हम लोग का कुछ वेतन जल्द ही मिलेगा। झारखंड 20 सूत्री के उपाध्यक्ष एवं बाराघोड़ा के विधायक ने गुरुवार को संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा एवं वहां महिला के ऊपर हुए अत्याचार का दोष केंद्र सरकार एवं मणिपुरी राज्य के सरकार पर लगाया। इन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार एवं जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, वहां केवल जाति और धर्म के आधार पर भाजपा लोगों को बांटने का कार्य कर रही है। देश के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल राम मंदिर निर्माण कर ये देश की जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज भाजपा झारखंड राज्य में एक बार फिर हेमंत सरकार पर दोषारोपण कर रही है, जबकि राज्य निर्माण के बाद लगातार 16 वर्षों तक इन्होंने एक भी विकास के कार्य नहीं किए हैं और आज जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य में चहुंमुखी विकास कर रही है तो उसमें विपक्ष केवल रोड़ा डालने का कार्य कर रही है। बावजूद इसके हर क्षेत्र में हेमंत सरकार बेहतर से बेहतर कार्य कर खुद को जनता के बीच साबित कर रही है। कि जब कुरुक्षेत्र का विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास आए और देखे कि भीष्म पितामह सरसैया में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और युधिष्ठिर आके बोले, नतमस्तक होके युधिष्ठिर उनको प्रणाम किया और प्रणाम के मुद्रा में बोले कि पितामह आपने कुशल और सफल नेतृत्व का सूत्र बताइए। तो भीष्म पितामह बोला कि देखो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोस के वर्तमान का जिम्मेदारी से भागने का प्रयास मत करो। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग इसे बदलता क्यों? तो आज अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है तो लोग इसको बदलने का काम क्यों करता? और जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बात अगर सुनना समझना है, प्रशासनिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का अगर बात समझना है, तो वीरेंद्र राम और आपका पूजा सिंगल से पूछा जाए। ऐसे कई वीरेंद्र राम पूजा सिंगल उनका गोदी में खेला है, लेकिन कभी भी बीजेपी उसके पास ऊपर कानून कसने का, उसको दंड देने का काम नहीं किया है। हमारे हेमंत में उतना हिम्मत है, जिन्होंने बारीकी से आईएएस ऑफिसर को जेल भेज के प्रमाण कर दिया है कि हम सिद्धू कानू तिलका मांझी का सपना का राज को कलंकित होने नहीं देंगे। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार का तो 19 साल में इतना भ्रष्टाचार का है कि हम अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगा। वर्दी घोटाला, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाला है। वो घोटाला का सरकार था और आज अभी जो दाला बोले मणिपुर का बात, इतना दिन तक कहीं भी
कोई जगह पर अगर कोई महिला को अपमानित किया जाता था तो महाभारत का द्रौपदी का उदाहरण देते हैं। आज जो घटना घटा है मणिपुर में, ये घटना फिर से वो महाभारत का द्रौपदी को जैसा वहाँ पर लंगा किया गया था, आज उस तरह का लंगा करके पूरे महिला समाज को, माँ को, महिला माने माँ जिसका कोख से हम सब पैदा हुए, माँ को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करता है, बेटी बचाने का बात करता है तो क्यों अभी तक कोई नहीं गया उनके पास, क्यों संवेदना जताने का काम नहीं किया है, और बेटी पढ़ाओ का बात अगर करता है, नारा वो लगाता है और सार्थक हम सब करते हैं तो हम उसका लाभ पहुंचाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप हमारे हेमंत सोरेन सरकार योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आप देखे होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी, चाहे कोई भी लोगों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या आया हो उनको समाधान करने का ये प्रयास किए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारी सरकार को जिस तरह से आज कटघरे में खड़ा करने का वो बात कर रहे हैं, उसको पहले अपना गिरिबान में झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की अब दशा क्या है। उदाहरण स्वरूप मणिपुर, बगल में आप राज्य देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर 2 महीना से जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से वहाँ पर उस राज्य को आसंत करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, आज उसको ये बुझाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। आज पूरी तरह से मणिपुर में फेल हो चुका है। आज आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक महिला के ऊपर में किस तरह का वहाँ अत्याचार हुआ, किस तरह से शोषण हुआ, ऐसी ऐसी कई घटनाएं वहाँ पर आए दिन हो रही है। प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में रहते हुए कोई व्यक्ति, चाहे वहाँ का सीएम हो या केंद्र सरकार हो या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, किसी के द्वारा आज मणिपुर शांत करने का ये जो प्रयास कर रहा है ये लोग पूरी तरह से फेल हो चुके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।